हमारे गांव में अकेला जाते थे हम लोग, हमारे सामने भानु भाई, रावल भाई, हमारे वहाँ पर मराठा और मुगलों का युद्ध हुआ था। फिर ये राहुल और भानु भाई को जाते हुए हम लोग उनकी टीम जा रही है समय आटे गाँव को पता नहीं, ऑटो राइड ऑफ इंडिया लिखा हुआ है जाटा, यहाँ पे हम लोगों को नहीं रोका हुआ, रीडा गेट खोल दिया भाई की वजन जारी। यहाँ पे हम लोग अब अपने हम लोग ने अपनी राइड स्टॉप कर दी है क्योंकि बहुत तेज पानी गिर रहा है। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे मौसम ने अपना रुख चेंज कर लिया है। अब हम आपकी बात कराना चाहते हैं भानु भाई से, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग अभी बीच रास्ते पर रुके हुए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी गिरने लगा हुआ है, मेरे ऊपर भी आया है देखिए। आधे गांव का किला हम लोग निकल रहे थे, हम लोग टीम में बिल्कुल 6 लोग हैं, राहुल है, प्रदीप है, हमारे दुर्गेश भाई, अजय, राहुल, हम लोग सभी लोग जा रहे हैं, पर बीच रास्ते में पानी गिरता हुआ आप देख ही रहे हैं। जैसे ही पानी बंद हुआ और हम आगे बढ़े और 18वीं शताब्दी के मराठाओं द्वारा बनाए गए इस किले और काल भैरव जी के मंदिर को देखने के लिए, हम लोग इस किले को देखने के लिए नरसिंहपुर से जा रहे थे जो कि इसकी दूरी नरसिंहपुर से 60 किलोमीटर की है। जबलपुर से यह किला 110 किलोमीटर की दूरी पर है। सिवनी के लखनादौन से यह किला 18 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए देखते हैं और आगे क्या हुआ। स्ट्रीमिंग कर रहे हैं डालो छोड़े थे। आधे गांव किले में एंटर करने से पहले माता रानी का मंदिर है जहां पे हम लोग सब लोग ने यहां पे दर्शन किए माता रानी के, और हमको लेके चलते हैं आधे गांव के किले में जहां पे मराठा और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था। आइए हम ले चलते हैं यहाँ से इस सीढ़ियाँ यहाँ से प्रारंभ हुई हैं, सीढ़ियाँ जो टर्न हो के कड़े में, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे साथ मेरे 4 मित्र और हैं, देखिए सामने भानु और अजय सामने मुआयना करते हुए आगे जाते हुए, इनके आगे हम धीरे से हम निकलते हैं, देखते हैं क्या देखने मिलता है आगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये टर्न लेता हुआ आधे गांव का किला, ये दुर्गे सामने से जाता हुआ हम इसके आगे बढ़ते हुए हैं, देखते हैं क्या देखने मिलता है आगे। यहाँ पे भूत भी है, यहाँ पर कभी साम्राज्य हुआ करता था मराठा, यहाँ के ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा। काफी ऊंचाई पर जाना है, अभी हम स्टार्ट हुए हैं। मराठाओं ने मुगलों को बुरी तरह से ध्वस्त किया, यहाँ की सीढ़ियाँ अभी तक जैसी की तैसी हैं। ये लोकेशन है शिवनी जिले में, शिवनी जिले के आधे गांव में ये महल बना हुआ है। ये बहुत पुराना पुरातत्व विभाग द्वारा ऐतिहासिक धरोहर है। और यहाँ किले का दरवाजा बंद है। अंदर कोई है ना? आवाज कोई कहाँ से आएगा? एंट्री कहाँ से है तू? मैं तो एंट्री है। नहीं यार। कहाँ नहीं? अंदर से क्या? हम तो कहाँ जा? ये देख रहे हैं आप किले की बहुत दीवारें, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। ये जो आप जो छेद देख रहे हैं होल, इनमें मराठा जो सैनिक थे यहाँ पे बंदूक फंसा के चलाते थे। आप देखिए कितना विस्तृत महल है, ये बहुत पुराना पुरातत्व विभाग द्वारा
पीछे का द्वार होगा। ये देख रहे हैं आप आधे गांव का किला। मेरी ले लीजिए मैं दादा खींच दो फोटो दादा देखो हम पहुंच गए। और नाम तो वही याद है मैं उसके इतने अच्छे फोटो भी खींचे हैं तो पहले अंदर पे चली है। हाँ मैं चीज किले के अंदर आते ही आपको कुछ इस तरह दिखाई देता है। थोड़ा खंडर बन गया है ये। इसके थोड़े ही आगे आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा का पूरा शहर देखने को मिलता है और सेल्फी लवर के लिए एक अच्छा सेल्फी पॉइंट भी है। किले के अंदर ही आते आपको देखने मिलेगा काल भैरव का मंदिर जो कि इस जगह ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है।